हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? पता है ये सवाल इस टाइम में पूछना मतलब कोई अच्छा भी है बट फिर भी अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन है अभी इंडिया में और जिस तरह का केसेस चल रहा है, पेंडेमिक जिस तरह से चल रहा है, उस हिसाब से किसी का भी मेंटल स्टेट अभी किसी का भी अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं होगा, मेरे को पता है। तो अभी सबसे बेस्ट इन सबसे बेस्ट तरीका है इसको फाइट देने के लिए इस स्टे होम एंड देन स्टे सेफ, वही सबसे बेस्ट है और विल बी बैक टू आर नॉर्मल लाइफ। फिलहाल अभी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो लोग नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जो देख रहे हो या सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत जाके पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो और वीडियो एंड तक देखना, और देखने के बाद अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, देन लाइक का बटन दबा देना या फिर कमेंट में कुछ भी कमेंट कर देना कि कैसा लगा वीडियो, या फिर कुछ मिसिंग रह गया होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि कुछ अगर मिसिंग हुआ होगा तो वो डाल देना। आप लोग एक और रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली अपने सर्कल में से किन्हीं दो लोगों से सब्सक्राइब करा दीजिए तो मेरे को बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ताकि मेरे चैनल को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। सो दैट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, सो इट इफ यू डू देन दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। मेरे चैनल को जितना बूस्ट मिलेगा उतना मेरे को भी बूस्ट मिलेगा और वीडियोस अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। और आज का वीडियो जो बताने वाला हूँ वो थंबनेल देख कर पता चल ही गया होगा कि GoPro के बारे में। सो GoPro अभी 2021 चल रहा है, 2021 में अभी लेटेस्ट जो GoPro आया हुआ है GoPro 9, 10 अभी तक आया नहीं है, तो GoPro 9 अभी मार्केट में है। बट मैं बात करने वाला हूँ GoPro 7 जो कि मैं यूज़ करता हूँ। एज कम्पेयर टू GoPro 7 इट्स काइंड ऑफ आउटडेटेड एज पर GoPro, बट क्या करें वो लोग हर साल में एक एक नया मॉडल निकालते रहते हैं। तो लास्ट ईयर वो लोगों ने निकाला है GoPro 9, तो बाई दिस ईयर एंड दे माइट रिलीज GoPro 10, तो पता नहीं क्या है। तो अभी जो बात करने वाला हूँ वो है GoPro 7। तो 7 अब जब खरीदेंगे तो खरीदने के टाइम में आपको ये मिलेगा, दो चार्जिंग केबल मिलेगा, टाइप सी चार्जिंग केबल मिलेगा। आपका ये जो GoPro है इसमें आपका कैमरा है एंड देन एक केस है आपका ये व्लॉगिंग के लिए आप यहाँ पे ट्राइपॉड लेके फिर ऐसा व्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर ऐसा स्टिल शॉट ले सकते हैं। स्टिल शॉट के लिए दिया हुआ है कवर इन केस, मतलब विद इन द केस मिलता है आपको जब आप खरीदेंगे, तो आपको ये एक एक्स्ट्रा मिलेगा। जब GoPro परचेस किया तो मैंने और एक्सेसरीज जो परचेस किया वो मैं दिखा देता हूँ। एक्सेसरीज मैंने तो एक तो ये है आपका ट्राइपॉड, उसके बाद ये एक पाउच लिया है हमने सभी गियर्स डाल के, फिर कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। और उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है वो खरीदने के लिए वो है ये, और ये है एक्स्ट्रा बैटरी जो मैंने खरीदा है, और ये है डुअल चार्जर। सो दोनों GoPro का ही है। एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा बैटरी खरीद रहे हो GoPro का थोड़ा महंगा आएगा, बट दिस इज़ द बेस्ट वन बिकॉज आपका ये अगर GoPro का यूज़ करेंगे GoPro में, देन आपका मतलब GoPro का भी इफेक्ट नहीं होगा। ये सबका प्राइस जो है, अगर प्राइस का बात करूँगा तो वो मैं आपको लिंक सबका एक एक आइटम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, चेकआउट करके खरीद भी सकते हो वहाँ से। जो लिंक मैं भेज रहा हूँ वो उसी से खरीदिए, वो वेरीफाइड है क्योंकि मैंने भी उसी से परचेस किया, जेन्युइन प्रोडक्ट आएगा आपको। जब खरीदेंगे आपको ऐसा जो दिख रहा है ऐसा सेम मिलेगा। तो इसको खोलना है, पहले ऐसा ऊपर से बकल खोल लूज करना है, लूज़ करके फिर पीछे से यह कवर खोलना है, खोल के फिर आपको ये जो मेन प्रोडक्ट है ये है। काफ़ी हैंडी है, आप देख सकते हो मतलब कितना छोटा है। ऐसा भी करूँगा तब भी मेरे फिंगर्स में भी आ रहा है, तो काफ़ी हैंडी है, कभी ये कहीं पे भी ले जा सकते। हाँ, आपको बैटरी भी मिलेगा, एक बैटरी भी मिलेगा, सॉरी मैं भूल गया था बोलने के लिए। तो ये मिलेगा आपको, एक बैटरी मिलेगा, एक केस मिलेगा और दो चार्जिंग केबल मिलेगा। पहले तो बैटरी इंसर्ट करना, बैटरी इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे जो कैमरा का नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट में एक बटन दिया हुआ है, उसमें प्रेस करके एक स्लाइड कर दीजिए एंड देन बैटरी इंसर्ट कर दीजिए। बैटरी इंसर्ट करने के बाद आपको ऑन कैसे करना है कि अगर आप ऊपर है
ये शटर का बटन जो आपका फ़ोटो लेने के लिए फिर वीडियो शूट करने के करने का जो शटर बटन है वो है, एंड देन साइड में आपका ऑन ऑफ और मोड सेट करने का बटन है कि फ़ोटो मोड वीडियो मोड वो सेट करने का बटन है। तो आप इसमें अगर लॉन्ग प्रेस कर देंगे तभी भी ऑन हो जाएगा, या फिर शटर में अगर आप प्रेस कर देंगे तभी भी हो जाएगा, शटर में एक बार प्रेस कर देंगे तभी हो जाएगा, लेकिन जब शटर में प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो उसमें एक बार प्रेस कर दीजिए, सीधा रिकॉर्ड हो जाएगा, या फिर ऐसा लॉन्ग प्रेस इसमें कर दीजिए, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐसा आएगा, बीप साउंड करेगा, उसके बाद ऑन हो जाएगा, विद इन 2-3 सेकेंड्स ऑन हो जाता है। सो दैट्स नॉट एन इश्यू। एंड वाइल कमिंग टू द सेटिंग्स, मोड चेंज करने जब आप नया लेंगे तब उसमें आपका ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मोड है वो मोड चेंज करना पड़ता है। वहाँ पे आपका रेजोल्यूशन 40x60 फ्रेम पर सेकंड दिया हुआ है, उसमें आप रेजोल्यूशन में जाके इसमें 4:3 दिया हुआ है तो उसमें जाके 16:9 कर दीजिए, तो उसमें आपका सबसे बेस्ट आएगा, आपका 1080p में आएगा विथ 60 फ्रेम पर सेकेंड। ऑप्शन है 1080 2.7K 4K, आपका 4K भी शूट हो सकता है इसमें, और बाकी इसमें लीनियर लेना है कि वाइड लेना है, वाइड भी ले सकते हो, वाइड एंगल इसका मस्त आता है। वाइड एंगल में आप देख ये देखिए मेरे रूम का जो फ़ोन में अभी जितना कवर करता था वो पूरा रूम कवर कर रहा है, ये मेरा फ़ोन इतना कवर कर रहा है, ये GoPro कितना कवर कर रहा है, सो इट्स कवरिंग द होल रूम एक्चुअली। तो वाइड काफ़ी वाइड है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है, तो जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपको स्क्रीन में ऐसा स्वाइप करेंगे तभी भी मोड चेंज होगा, वीडियो मोड लेना है कि टाइम लैप्स मोड लेना है, ये तीन मोड अवेलेबल हैं, एक है आपका टाइम लैप्स, एक है वीडियो मोड, एंड देन एक है कैमरा मोड जो कि फ़ोटो मोड है। तो फोटो मोड में अगर आपको क्लिक करना है तो शटर बटन एक बार प्रेस कर दीजिए, वो आपका HDR फोटो क्लिक हो जाएगा। तो 12 मेगापिक्सल कैमरा है, तो इसमें आप यहाँ पे टाइमर भी सेट कर सकते हो कि कितना सेकंड बाद ऑटोमेटिकली फ़ोटो खींचने के लिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो अगर आप बिगिनर भी हो देन कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऊपर से आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे वॉइस कंट्रोल भी होगा, तो वॉइस कंट्रोल कैसे होते हैं कि GoPro टर्न ऑफ, बंद हो गया, सिंपल है, GoPro टर्न ऑन हो गया। कैमरा बीप का साउंड अगर आपको नहीं चाहिए देन वो भी हो जाएगा। जो सो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि इस कैमरा में है, तो इस कैमरा के सब कुछ बता दिया, और अभी चलते हैं इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस का। पहला एडवांटेज ये कि बहुत लाइट वेट है, बहुत मतलब इतना छोटा है कि आपका पॉकेट में भी आ जाएगा, कोई ऊपर कोई पॉकेट में रखेंगे तभी कई मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एज़ कम्पेयर टू दिस दोस बल्की कैमरास या DSLRs, तो वो एक एडवांटेजेस है। सेकेंड एडवांटेजेस ये है कि ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। वन वाटरप्रूफ कम्स, तो वाटरप्रूफ में आपका इसमें यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ, इसमें आपका चार्जिंग का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ लेफ्ट साइड में, तो ये आप डिटेचेबल है। तो ये जब भी अगर आप वाटरप्रूफिंग के लिए पानी के अंदर ले जाना है तो ये बिल्कुल डिटैच मत कीजिएगा, ये ऐसा लगा के फुल्ली कंट्रोल करके उसके बाद फिर ले जाइए। अगर आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो या फिर पानी के नीचे अगर आपको शूटिंग करना है तो इजीली ये ले जा सकते हो। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि इसका हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन, वीडियो अगर चल रहा है तो जैसे कि अगर फ़ोन में शूट कर रहे हैं तो फ़ोन में बहुत शेकी हो जाता है वीडियो, बट एज़ कम्पेयर टू दिस ये शेकी नहीं होता है, तो उसी के कारण जो हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन दिया हुआ उसमें सबसे बेस्ट है। इसका फोर्थ एडवांटेजेस ये है कि दिस पार्ट, दिस जो आपका ग्लास का जो पार्ट है ये डिटैचेबल है। सो एज़ कम्पेयर टू GoPro 8 और 9 में आपका ये डिटैचेबल नहीं है, और 9 में तो आपका फ्रंट LCD स्क्रीन भी दिया हुआ है, बट GoPro 7 में ये एडवांटेजेस है कि आपका ये डिटेचेबल है, तो अगर आपका कभी भी गिर के स्क्रीन टूट गया देन हार्डली अराउंड 1500 to 2000 के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल के फिर ये आप डिटैच करके खुद लगा सकते हो।
अगर 8 और 9 आप अगर लेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें डिटेचेबल का ऑप्शन नहीं है, तो आपको GoPro सर्विस सेंटर में भेजना होगा, GoPro सर्विस सेंटर बना के देगा, वारंटी होगा तो फिर, नहीं होगा तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, उसमें अराउंड 15,000 खर्च हो जाता है सिर्फ इसका स्क्रीन का। तो ये एक एडवांटेज है GoPro 7 का। और डिसएडवांटेज इसका अगर मैं बात करूँगा तो डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि ये लो लाइट में बहुत गंदा परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे आई बटन में मैंने मेल अटैच कर दूंगा तो वो उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका जो बैटरी लाइफ है, कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो हार्डली मैक्सिमम 2 to 2.5 hours कंटिन्यूस यूज़ में। इसका ड्रेन होने का नतीजा इतना छोटा, इतना सा बैटरी में कितना जाना आएगा इसमें। एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा खरीद कर रखिएगा। तो यही था डिसएडवांटेज, और कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज है नहीं। बट ओवरऑल अगर मैं रेकमेंड, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब परचेज करना चाहेंगे तो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर दिस। तो यही था GoPro के बारे में। इनकेस अगर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन देना भूल गया होगा, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप आइए, आके मेरे को पूछिए, मैं उसमें डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। वीडियो आज तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो यार, और कितना यहाँ तक देखे हो सब्सक्राइब करके ही जाओ ना, क्या है। तो अभी मिलते हैं एक नया वीडियो में, तो टिल देन बाय बाय। GoPro टर्न ऑफ, अरे GoPro टर्न ऑफ, ओके।